नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ब्रह्म स्थान के बारे में। घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। किसी भी घर में ब्रह्म स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान का सीधा संबंध आकाश तत्व से होता है। वास्तु शास्त्र में यह जरूरी नियम बताया गया है कि घर के ब्रह्म स्थान को भूमि से लेकर आकाश तक खुला छोड़ देना चाहिए। कोई भी भारी सामान यहाँ पर ना रखें। यदि ब्रह्म स्थान साफ सुथरा दोष रहित है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में रहने वाले सदस्य क्रोध रहित, दोष रहित और मानसिक तनाव से दूर रहेंगे और घर के सदस्यों की बहुत उन्नति होगी। लेकिन यदि ब्रह्म स्थान दोषपूर्ण हो तो घर में रहने वाले सदस्यों को कोई न कोई स्वास्थ्य परेशानी, आर्थिक परेशानी और वंश को बढ़ाने में परेशानी बनी रहेगी। इसीलिए ब्रह्म स्थान में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार किसी भूखंड के उत्तर स्थान को पवित्र रखा जाता है, उसी प्रकार भूखंड में ब्रह्म स्थान की भी पूरी सुरक्षा की जानी चाहिए। घर के अंदर ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। इस स्थान पर कभी भी कोई निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहिए और ना ही इस स्थान पर कोई बीम या पिलर को बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में यह एक बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में घर का ब्रह्म स्थान खुला होना मुश्किल है। ऐसे में कोशिश करें कि कम से कम यहाँ कोई निर्माण कार्य हो। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म स्थान पर दोष होने पर वंश की वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए ब्रह्म स्थान पर कोई भी बीम या पिलर नहीं बनाना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर बेडरूम या शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। घर के मध्य स्थान पर बेडरूम होने से अनिद्रा रोग और दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहता है। इसके अलावा यह स्थान बहुत सारी ऊर्जा को खींचता है, इसलिए यह स्थान आराम और शांति के लिए उपयुक्त नहीं रह पाता। इसलिए ब्रह्म स्थान में शयन कक्ष और बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। घर में खुला स्थान या आंगन होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जिससे हमें रोशनी और हवा की अधिक से अधिक मात्रा मिल जाती है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा के कारण हमारे शरीर में विटामिन डी की कभी कोई कमी नहीं होती। हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है और घर में रहने वाले सदस्यों की आयु लंबी होती है। घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, इसलिए घर में खुला स्थान या आंगन होना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के छत पर पानी की टंकी ब्रह्म स्थान के बीचों बीच नहीं रखनी चाहिए। इससे जीवन असहाय सा महसूस होने लगता है। घर में रहने वाले सदस्यों को मानसिक परेशानी और आर्थिक तंगी रहती है। घर के सदस्यों की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, विकास रुक जाता है और घर में निवास करने वाले सदस्यों को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान की छत पर पानी की टंकी को कभी नहीं रखना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियां कभी नहीं बनानी चाहिए। यह एक गंभीर वास्तु दोष होता है। अगर घर के ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हों, तो समझ ले घर में अशुभ रोग का आगमन होने जा रहा है। घर में मानसिक परेशानी और आर्थिक तंगी रहती है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्यों का विकास रुक जाता है और सारी अच्छी सोच खत्म हो जाती है। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियां कभी ना बनाएं। घर के ब्रह्म स्थान पर बेसमेंट या सेप्टिक टैंक कभी नहीं बनाना चाहिए। घर का मध्य भाग हमेशा ऊंचा और ठोस होना चाहिए। सेप्टिक टैंक और बेसमेंट के लिए खड्डा खोदा जाता है। इस खड्डे को ब्रह्म स्थान में कभी नहीं खोदना चाहिए। यह वास्तु सिद्धांत के विरुद्ध है। इससे घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर में एक व्यक्ति को हृदय रोग और पेट से संबंधित कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। परिवार का नाश होता है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक इस स्थान पर निवास नहीं कर सकता। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान में बेसमेंट या सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। घर के मध्य भाग या ब्रह्म स्थान में शौचालय और बाथरूम कभी नहीं बनाना चाहिए। घर के मध्य भाग में शौचालय पूर्णतः वर्जित है। यह परिवार की उन्नति में बाधक होता है। यह पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है। परिवार के स्त्रियों में समस्या उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। परिवार में निवास करने वाले लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए घर के ब्रह्म स्थान में शौचालय और बाथरूम कभी नहीं बनाना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर पानी की टैंकी, कुआं, पानी की बोरिंग या कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान पर पानी होने से मृत्यु दोष का कारक होता है। धन, कारोबार, कामकाज सब खत्म हो जाता है। भाग्य सो जाता है और परिवार का नाश होता है। जीवन अस्त व्यस्त बना रहता है। ब्रह्म स्थान पर कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर गड्ढा होने से ऐसे घरों में लड़कियां बिन ब्याही रह जाती हैं। पेट से संबंधित भयंकर बीमारी होती है और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है। इससे परिवार का नाश हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, इसलिए घर के ब्रह्म स्थान में हैंडपंप, कुआं, पानी की टंकी, पानी की बोरिंग या गड्ढा नहीं होना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान में स्टोर रूम कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घर के स्टोर रूम का प्रयोग साल के अन्य भाग के लिए, भंडारण अन्य भाग के लिए किया जाता है और यह स्थान घर के अन्य सामान हेतु उपयोग के लिए लाया जाता है। इसमें लोहे के बक्से और भारी सामान रखा जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह नियम बताया गया है कि घर के ब्रह्म स्थान को भूमि से लेकर आकाश तक खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारी सामान यहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिए और ना ही कोई फर्नीचर आदि रखें। यहाँ पर किसी भी भारी सामान को रखने से सेहत और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है और घर में रहने वाले सदस्यों का विकास रुक जाता है, इसलिए घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान में रसोई घर भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अग्नि का प्रवेश होने से घर के पारिवारिक सदस्यों में झगड़े कलेश होना शुरू हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए घर के ब्रह्म स्थान पर रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर झाड़ू पोछा कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह स्थान भी ईशान कोण की तरह बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह स्थान 5 तत्वों में से आकाश तत्व से संबंधित है, इसलिए इस स्थान को भूमि से आकाश तक खुला छोड़ देना चाहिए और इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए। इस स्थान पर कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। यदि घर में ब्रह्म दोष हो तो पूजा पाठ के प्रति रुचि की कमी, बुजुर्गों के सम्मान में कमी, धन की कमी और संतान सुख में कमी बनी रहती है, इसलिए घर के ब्रह्म स्थान पर झाड़ू पोछा कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा मंदिर बनाया जा सकता है। यह स्थान पूर्व ईशान कोण की तरह बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए आप ब्रह्म स्थान पर प्रभु का नाम जप सकते हैं और यहाँ पर आप पूजा पाठ के अतिरिक्त कोई धार्मिक शास्त्र भी पढ़ सकते हैं। यह स्थान ध्यान और चिंतन के लिए उपयुक्त होता है, जो आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम 4 पदार्थ हैं। भूमि का ब्रह्म स्थान इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान का दोष दूर करने के लिए इस स्थान पर सत्संग, कीर्तन, भजन आदि करवाना चाहिए और इस स्थान पर गीता का पाठ, रामायण का पाठ और किसी भी धर्म के ग्रंथ का धार्मिक पाठ आदि करवाने से इस स्थान का दोष दूर होता है। यदि संभव हो तो इस स्थान पर एक तुलसी का पौधा लगाने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसीलिए घर के ब्रह्म स्थान पर पूजा मंदिर बनाया जा सकता है। घर के ब्रह्म स्थान पर लिफ्ट को कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब इस स्थान पर लिफ्ट को बनाया जाता है, जो कि लिफ्ट में लगी केबल के लिए जमीन में खड्डा करना पड़ता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान पर खड्डा होना बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। इस स्थान पर खड्डा होने से परिवार के सभी सदस्यों को रीढ़ की हड्डी, आंतरिक परेशानी और पेट में अल्सर आदि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्म स्थान पर लिफ्ट को कभी नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।